लेकिन कुछ लोगों ने इतना ज्यादा जो है दिमाग में ब्रेन वॉश करके रख दिया स्टूडेंट्स का कि सर अभी अभी मैंने चेक किया किताब में कि जो आप बात बोल रहे हो बिल्कुल सही है और किताब में वही गलत वाला आंसर दिया हुआ है जो आप बता रहे हो। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं देखूं तो डॉग कुत्ते पालते हुए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आइए इसको पता। डॉग है कैट है तो आप सभी को पता है, हमको भी पता है, कुत्ते कभी बिल्ली नहीं हो सकते, बिल्ली कभी कुत्ते नहीं हो सकती, भाई बिल्ली बिल्ली होते, कुत्ते कुत्ते होते, तो ये बात तो पक्की कि भाई ये आंसर कभी नहीं बन सकता, सब एक के अंदर कभी एक नहीं आ सकते, क्योंकि हमको दो डायग्राम अलग चाहिए। नो का डायग्राम कहते हैं इसको, नहीं ये कभी ये नहीं हो सकता, इसमें भी नो है, इसमें भी एक नो है, इसमें भी नो है। अब बात आती है कि दोस्तों हम क्या लगाएं। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को 100% नहीं 110% गलत करने वाले हो, और मैं इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा समय लेके आपको बताऊंगा, यहां तक कि आपको प्रूफ भी दूंगा। बात समझना मेरी बात, अगर विश्वास है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी मर्जी, ठीक है, समझना मेरी बात को दोस्तों। यहां पर ये क्वेश्चन SSC में आया हुआ है कई बार, तो SSC में जब एक बार ये क्वेश्चन आया दोस्तों, तो एक स्टूडेंट था वो पढ़ता था हमसे, हालांकि ये चैप्टर या ये क्वेश्चन मान लो उसने नहीं पढ़ा, लेकिन उसने मुझे आंसर की भेजी, बोले सर ये क्वेश्चन आया दोस्तों, यहाँ पर एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, डॉग पालतू जानवर और बिल्ली, और बोला कि सर ये क्वेश्चन में आंसर मैंने ये लगाया, देखिए आंसर की मेरी SSC ने गलत कर दिया, SSC ने तो इसका ये आंसर दिया। बोला सर देखिए आप क्या करें, क्लेम करें। मैंने कहा बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी क्लेम मत करना। फिर उसने मुझे और स्क्रीनशॉट्स और मैसेजेस भेजे, पर सर ये कि ये मेरी इन टीचर से बात हुई, सर ये मेरी इन टीचर से बात हुई, सबने बोला कि SSC भी कभी कभी गलती कर देता है बेटा, क्लेम कर दो, ये कर दो। मैंने कभी मत करना, गलती से भी मत कर देना, तुम्हारे पैसे भी जाएंगे और नंबर भी नहीं मिलेंगे। बोले क्यों? फिर दोस्तों हमने उसको समझाया कि एक्चुअली बात क्या है, जो मैं आज आपको भी समझाने चाहूंगा, ध्यान से समझना। इसमें कई लोग क्यों गलत पढ़ा रहे हैं, क्या गलती करते हैं, और स्टूडेंट भी वही पढ़ता है और क्यों गलती करता, सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो सबसे बड़ी गलती इसमें क्या है, देखिए हम सभी लोगों ने दोस्तों बचपन से एक चीज पढ़ती आई है, बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि एक होता है दोस्तों पेट एनिमल जिसको कहते हैं, एक होता है दोस्तों डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल का मतलब होता है जिनको हम कहते हैं व्यवसायिक वाले जानवर, है ना, और एक होता है दोस्तों वाइल्ड एनिमल। ये सब मुझे लगता है शायद तीसरी चौथी पांचवी दूसरी कक्षा में पढ़ने लगते हैं। तो पेट एनिमल, डोमेस्टिक और वाइल्ड। पेट एनिमल का मतलब होता है दोस्तों पालतू जानवर, ऐसे जानवर पालतू कहलाते हैं जिनको पाला जा सके, पाले जाने योग्य जानवर को पालतू कहा जाता है, ये बेसिक डेफिनेशन है। और पालतू जानवरों में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दोस्तों डॉग है, कैट है, या मान लो आप उसके अलावा और भी है, ठीक है, हम पूरे लिस्ट नहीं लिखेंगे, इसकी हम लिस्ट आपको बना के दे देंगे, कुत्ता है, बिल्ली है, अब मान लो उसको घोड़ा है, या मान लो आपने उसको हाथी को ले लिया, या मान लो आपने उसको खरगोश को ले लिया, बहुत सारे जानवर, काऊ ले ली, बहुत सारे जानवर है जो पालतू आते हैं। डोमेस्टिक क्या होते हैं, सो ऐसे जानवर जिनसे हम बिजनेस कर सकते हैं, उनसे पैसा कमाया जाता है, जैसे कि अब एक जैसे हो गई काऊ दूध, एक हो गई बकरी, एक हो गई बफेलो, एक हो गई दोस्तों मान लो वो आपके गधे डोंकी, इन सबको हम कहीं ना कहीं व्यवसायिकली यूज करते हैं, करने को तो आज लोग बाग कुत्ते को भी कर देते, बिल्ली कुछ भी कर देते, लेकिन बेसिकली ये वो एनिमल थे जिसको हम डोमेस्टिक पर्पज से यूज करते थे। और वाइल्ड एनिमल सबको पता है दोस्तों, टाइगर हो गया, उसके बाद स्नेक हो गया, उसके बाद क्रोकोडाइल हो गया, लायन हो गया, ये सब जो जानवर है वो सारे के सारे दोस्तों हमारे वाइल्ड एनिमल्स में आते हैं, ये सब हमने बचपन से पढ़ा है। लेकिन कुछ लोगों ने इतना ज्यादा जो है दिमाग में ब्रेन वॉश करके रख दिया स्टूडेंट्स का कि मुझे बड़ी वो लगता है, अब समझो मेरी बात ध्यान से, वो क्या कहते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि दोस्तों ये कैसे होगा यार, मुझे बताओ, SSC ने भी नहीं माना। अब मैं SSC की वजह से अपनी बात नहीं पलट रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी बात कभी पलटी नहीं, मैं कोई वीडियो उठा देना मेरी बात हमेशा यही रहेगी और आगे भी, और आगे भी यही रहेगी। SSC की वजह से अपनी बात ही नहीं बोल रहा हूं, एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वो समझो, मुझे बताइए वो क्या कहते हैं। देखो उनका आंसर क्या है, उस लड़के ने भी बोला सर हमें तो ये बताया गया था, उसने बोला सर दुनिया के सभी कुत्ते और बिल्ली पालतू थोड़ी ना है। मैंने कहा कैसे? बोले सर कुछ कुत्ते तो रोड पे घूम रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं, कुछ बिल्लियां दोस्तों सर जो है बाहर घूम रही, उनको पाला थोड़ी ना है। तो उसने बोला हाँ, मैंने बोला हाँ बात तो सही है, फिर क्या हुआ? बोले सर उन्होंने फिर ऐसा बताया कि बेटा जो कुत्ते मान लीजिए घर में पाले गए हैं तो वो पालतू जानवर है, वो पालतू कुत्ते, लेकिन जो कुत्ते बाहर रोड पर घूम रहे हैं तो वो तो पालतू नहीं हुए ना। तो उसने बोला हाँ सर। तो उसने बोला कि ऐसा डायग्राम बना देना कि कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ बिल्ली पालतू होती है, लेकिन बिल्ली कभी कुत्ते नहीं हो सकते। मैंने कहा चलो कम से कम तुमको ये बात तो सही बताई उन लोगों ने कि कुत्ते बिल्ली नहीं हो सकते, को ये भी कह देते कि कुत्ते भी बिल्ली हो सकते हैं। दोस्तों एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात है, बचपन से हम चीज पढ़ते आ रहे हैं दुनिया का हर कुत्ता हर बिल्ली पालतू होता है। अब मैं प्रूफ करता हूं। देखो दोस्तों मान लीजिए कुत्ता है, कुत्ते को हमने घर पे पाल लिया,
तो मतलब कि वो एक पेट एनिमल में आ गया, पालतू जानवर। लेकिन वही कुत्ता अगर हमने 4 दिन बाद रोड पे छोड़ दिया, अब क्या है वो? अब सर वो जंगली जानवर है, वाइल्ड, अब वो पेट एनिमल नहीं है। अच्छा फिर सर उसको 4 दिन बाद मैंने फिर अपने घर में रख लिया उठा के, अब सर वो पेट एनिमल बन गया। अबे मेरे पालने के तरीके से थोड़ी ना वो पेट एनिमल बन रहा है, उसकी बेसिक डेफिनेशन है पाले जाने योग्य वाला जानवर पेट एनिमल कहलाता है। हमारे पालने के तरीके से थोड़ी ना वो पेट एनिमल कहलाता है। कुत्ते बिल्ली और ये सब दोस्तों आपके जो ये खरगोश हो गए, जो भी जानवर आप पाल सकते हो, उन सबको पालतू जानवर की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि वो पाले जाने योग्य जानवर है। ऐसे तो दोस्तों जो टाइगर है, शेर है, इसको भी कितने जगह पर पाला जाता है, अरब अरब में आप चले जाओ, तो इसका मतलब क्या इसको भी हम पालतू जानवर मान लेंगे? नहीं यार, कोई भी चीज अगर हम पालने लगे तो मतलब वो पालतू है, और बाहर भगा दिया तो वो पालतू नहीं है। गाय दोस्तों रोड पे घूम रही तो पालतू नहीं है, रोड अपन घर में बांध ले तो वो पालतू है, ये कोई सेंस हुआ क्या? दोस्तों आप किसी भी जानवर को उठा के ट्रेंड करके अपने घर में पाल लो, लेकिन उसको पालतू जानवर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। पालतू जानवर हमेशा वो होते हैं जो पाले जाने योग्य जानवर हैं, और जरूरी नहीं कि हर पालतू जानवर को आप पाल ही रहे हो, वो बाहर भी घूम सकते हैं। तो इसका इससे कोई सेंस नहीं है, और शायद मैं अपनी बात को अच्छी तरीके से आपको समझा पाया हूं। ध्यान रखना इस बात का, इसका आंसर कभी भी ये नहीं लग सकता, और आप में से भी बहुत सारे लोग यही आंसर दे रहे थे। दुनिया के जितने भी कुत्ते हैं और दुनिया की जितनी भी बिल्ली हैं, वो सारी की सारी दोस्तों पेट एनिमल के अंदर ही आएंगी। ध्यान रखना इस बात को, चाहे कुछ भी हो जाए बेसिक डेफिनेशन यही होती है। अब मारो एक थम्स अप सभी लोग फटाफट से, कि समझ में आया कि नहीं आया। कभी भी जिंदगी में गलत मत करना, कभी मत करना गलत। ये बहुत सारी किताबों में भी गलत है, सब में गलत है। मैं वो स्क्रीनशॉट अगर बच्चे का मिल जाए, क्योंकि वो 2021 की बात है, मुझे आज भी याद है, अगर मिल जाएगा तो जरूर आपको दिखाऊंगा। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स पड़े हुए, अभी धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, तो दिखाऊंगा। आज भी मैंने अपनी पेड क्लास में प्रूफ दिखाया था, और वो बच्चे ने एक्सेप्ट किया, सर अभी अभी मैंने चेक किया किताब में कि जो आप बात बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, और किताब में वही गलत वाला आंसर दिया हुआ है जो आप बता रहे हो, और ये होता है। खैर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्लीज सभी लोग कभी भी इन क्वेश्चंस को गलत मत करना। कुत्ता, अब इसकी मैं लिस्ट बना के आपको दूंगा कि भाई पालतू जानवर आपको कौन से लेने हैं, डोमेस्टिक कौन से हैं, और वाइल्ड कौन से हैं। बेसिक्स अगर समझोगे तो बेसिक्स से ही हर चीजों का हल होगा। दोस्तों कोई भी बात आगे बताने से पहले मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि अभी तक की जो भी मेरी टीचिंग रही, जो भी मेरी पढ़ाई रही, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, उसकी फीस हमें जो स्टूडेंट्स ने दी है, ये बहुत ही ज्यादा मेरे लिए वैल्यूएबल है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। दोस्तों ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बेसिक से चीजें पढ़ी है हमारे से, और आप देख सकते होंगे सामने, और इन सभी मैसेजेस को देखकर मुझे तो खुशी होती है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स को भी ये विश्वास जगता है कि भाई जो टीचर पढ़ा रहा है वो बहुत ही सही, ऑथेंटिक और सही तरीके से समझा रहा है, और हमको भी दोस्तों क्लियर हो रहा है। सोचिए ऐसे ऐसे लोग दोस्तों जो जिनसे क्वेश्चंस बनते नहीं थे, टॉपिक बनते नहीं थे, चीजें हो नहीं रही थी, और उनसे एक ही वीडियो के अंदर चीजें होने लगी, सारे टॉपिक बन गए, सारे क्वेश्चंस बन गए, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, सारे कठिन से कठिन का सवाल बन गए, और वही एक एक दो दो साल से लगे हुए थे और नहीं बने। चाहे वो किसी की भी हो, ऐसे भरपूर दोस्तों बहुत सारा प्यार है आप लोगों का, भरपूर बहुत सारा प्यार है यहाँ पर, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके आराम से। मैं केवल इसके माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप भी इसी तरीके से रीजनिंग को क्रिस्टल क्लियर तरीके से पढ़ना चाहते हो मेरे से, तो आप बेफिक्र होकर विश्वास करके इस बैच में जुड़ सकते हो। अगर आप इस बैच में जुड़ते हो ना, तो आप लोगों को जिंदगी में कभी दोस्तों रीजनिंग कहीं भी नहीं पढ़नी पड़ेगी दोबारा, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि जैसा दूसरे लोग आज कर पा रहे हैं, अगर आप भी दूसरे लोगों की तरह करना चाहते हो, उनसे भी अच्छा करना चाहते हो, तो आप आराम से बेफिक्र होकर विश्वास से पढ़ सकते हो। फिर भी अगर आप देखना चाहो तो क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर जाइए प्ले स्टोर पे, वहां पर डेमो वीडियो भी पड़े हैं फ्री, आप उनको देखकर भी अपना मन बना सकते हो, 100% मन बन जाएगा। मैं केवल आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप रीजनिंग पूरा बेसिक से पढ़ना चाहते हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको कभी भी दोस्तों, देखो स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट मैं समझ सकता हूं कि स्टूडेंट दोस्तों आज यहां पढ़ता है, समझ नहीं आया वहां पढ़ता है, वहां पैसा लगाया वहां वक्त लगाया। देखिए पैसे से ज्यादा मायने रखता है हमारा कीमती वक्त, हमारे कीमती वक्त में दोस्तों अगर हमारा कीमती वक्त खराब हो रहा है ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। हमारे पास समय लिमिटेड है, अब हमारे पास 3-4 महीने बचे एग्जाम के लिए, हमने दोस्तों एक जगह पढ़ लिया, अपना समय खराब कर दिया, नहीं आया समझ में उतना जितना हम सोच रहे थे, तो अब हम दूसरी जगह के लिए भी नहीं बचे, हम कहीं और पढ़ भी नहीं सकते। तो इसीलिए कोशिश करो कि सही जगह से सही टीचर से पढ़ो, चाहे वो कोई भी हो, ये डिसाइड आपको करना है, मैं नहीं करवा सकता, मैं केवल अपनी बात आपसे बता सकता हूं। ये दोस्तों चीजें बतानी जरूरी है आज, क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं तो आपको पता भी नहीं चल पाती है। तो मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप एक बार जुड़ लोगे ना, तो आपको लाइफ में कभी अपना कीमती समय फिर से बर्बाद नहीं करना पड़ेगा रीजनिंग में, तो और
रीजनिंग में छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ हमारी इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे बेस्ट कंटेंट के साथ आपके साथ उतरते हैं। हरी सर, साहिल सर, पीयू सर के बारे में मैं क्या ही और बताऊं आप लोगों को, आप सब जानते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग हो चाहे दूसरे सब्जेक्ट्स हो, आप पढ़ना चाहते हो बेफिक्र होकर पढ़िए, आपको दोबारा पैसा और अपना टाइम कभी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा किसी भी एग्जाम के लिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर केवल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो आप केवल रीजनिंग पढ़ सकते हो, ये सारे के सारे एग्जाम में कवर करवा रहा हूं, चाहे वो ये एग्जाम हो, ये एग्जाम हो, ये एग्जाम हो, आप पढ़ सकते हो आराम से। केवल इंडिविजुअल एक ही सब्जेक्ट रीजनिंग अगर पढ़ना है ना, आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, मोटिवेशन सब कुछ मिलेगा आपको अंदर, है ना। मेरे हैंड रिटन पीडीएफ के नोट्स भी आपको मिलने वाले। अच्छा मान लीजिए आपको दोस्तों, अच्छा ये पूरा का पूरा सिलेबस है, इसी सिलेबस के अंदर से बाकी सारे के सारे जो एग्जामिनेशंस हैं, जो एग्जाम आपके कमीशंस हैं, वो सारे इसी सिलेबस से उठाकर ही अपना सिलेबस बनाते हैं। रीजनिंग का सिलेबस दोस्तों इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये पूरा ही पढ़ लोगे बेसिक से एडवांस प्री और मेंस के लिए, तो फिर बचा क्या इसके अंदर, आप दुनिया के सारे एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हो जिसमें रीजनिंग है। अभी तक जितने भी एग्जाम आप उठा लो जो हुए हैं जब से मैं पढ़ा रहा हूं, अगर कोई बच्चा बढ़िया करके आ रहा है रीजनिंग में, जो एक मेजोरिटी उठा लो 50 लाख 60 लाख या 10,000 20,000 जो भी बच्चा, उसमें अपने भी स्टूडेंट हमेशा रहेंगे जो बेस्ट नहीं पूरे के पूरे स्कोर करके भी आ रहे हैं। क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपका बेसिक क्लियर, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको ट्रिक्स बताएंगे जल्दी करने की, आपका टाइम बचेगा, आप लोगों को कभी कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको प्रैक्टिस के लिए फिर कभी परेशान नहीं होना, आपको बेसिक के लिए परेशान नहीं होना, आपको कॉन्सेप्ट के लिए परेशान नहीं होना, आपको शॉर्ट ट्रिक्स के लिए परेशान नहीं होना। और सबसे बड़ी बात कि आपको सही चीज पढ़ना वो जरूरी है, गलत चीज गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं सकते, गलत पढ़ा दोगे तो फिर आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे एग्जाम में, कोई मतलब नहीं है, फिर आप कंफ्यूज होते फिर हो। तो दोस्तों आप बेफिक्र होकर इस बैच को आराम से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है सर मुझे अच्छा ऐसा कुछ बताओ जो मैं सारे एग्जाम्स पढ़ लूं, मतलब सारे टीचर से पढ़ लूं, जैसे मान लीजिए अगर आप लोग दोस्तों रेलवे के स्टूडेंट्स हैं, तो रेलवे का आरआरबी बैच जिसका नाम है रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच, आप देख सकते हो रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच आरआरबी बैच जो है, इसमें आप लोगों को साहिल सर, मैं, हरी सर, ये चार सब्जेक्ट्स हैं। हरी सर आपको दो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जीके जीएस, जीके साइंस मतलब अलग हो गया और जीएस अलग हो गया, तो यहाँ पर रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को ये सारे एग्जाम्स कवर करवा के मिलेंगे, यानी कि आप एक ही बैच के अंदर ये सारे के सारे एग्जाम कवर कर लोगे, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, आरपीएफ हो, जेई है, पैरामेडिकल है। क्योंकि ये बैच उस तरीके से हमने डिजाइन किया है जिसमें एक बार अगर स्टूडेंट घुस जाता है तो ये दोस्तों सारे एग्जाम्स ही कवर करवा के वो निकलेगा बाहर। फिर चाहे वो आप, अब उसको केवल फॉर्म भरना है और पेपर देना है और किसी भी सब्जेक्ट की टेंशन नहीं लेना आपको बिल्कुल भी, ये बिल्कुल रेलवे ओरिएंटेड चलेगा। हम ऐसा भी कर सकते थे आपको आरपीएफ का अलग बैच, ये इसका बैच, वो दुनियादारी नहीं करना, क्योंकि सबसे सब सिलेबस सबका सेम है, तो हम क्यों आपसे झूठ बोले, क्यों आपको दिखावा करें। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है एसएससी एग्जाम्स का, तो एसएससी के ऑल एसएससी एग्जाम के लिए दोस्तों एसएससी का रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच, जहां पर पीयूष सर, मैं, साहिल सर, हरीश सर, ये सभी लोग आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि इंग्लिश भी आ जाएगा इसमें, रेलवे में इंग्लिश नहीं आता है। तो यहां पर आपका चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस है, जीडीएस, टेनो है, जेई है, फेज 11 है, सीपीयू है, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम आप ले लो एसएससी का, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं वो सारे यहां से क्लियर होंगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, प्री और मेंस लेवल तक एक एक साल की वैलिडिटी है। आप कभी भी वीडियो को देखो, आज देखो, कल देखो, एक दिन में 100 बार देखो, एक बार देखो, आपकी मर्जी। लाइव क्लासेस भी चल रही है, डाउट सेशन भी चल रहा है, पीडीएफ भी चल रहा है, सब कुछ है। ठीक है, तो आप सभी लोग अभी के अभी चाहो तो इसमें ज्वाइन कर सकते हो, कारण कि आप लोगों का समय और पैसा दोनों ही बचेगा इधर उधर बर्बाद होने से भी। और जो आप लोगों की दोस्तों खोज है कि हम कहां पढ़े, कैसे पढ़े, कौन अच्छा कौन बुरा, ये वो सारी खोज भी खत्म होगी। अगर आपको और विश्वास चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर जाइए, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर प्ले स्टोर पे, और आप लोग वहां पर डेमो वीडियो सभी टीचर के पढ़ें, एक बार पढ़ के आप समझ में आ जाएगा कि भाई क्या है। और दोस्तों हमने ये बैच ऐसा नहीं बनाया, सुनना ध्यान से, कि आप जब जाओगे ना वहां पर तो आपको पहले ही दिन से इतने सारी क्लासेस, इतने सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा कि पहले दिन से आपको लगेगा कि मेरा बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है दोस्तों कैलेंडर, अब टीचर लाइव क्लास में पढ़ा रहे हैं क्लॉक, घड़ी, अब हमको तो कैलेंडर पढ़ना है, क्योंकि क्लॉक तो हमारा पूरा अच्छा है, तैयार है, हमें सब आता है, लेकिन कैलेंडर में हम वीक है। अब आप जब जाओगे ना पहले दिन से तो आपको कैलेंडर्स के भी लेक्चर मिल जाएंगे, क्लॉक के भी लेक्चर मिल जाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे दोस्तों आपका जो वीक पॉइंट है ना वो भी आप उसी दिन बैठकर स्ट्रॉन्ग कर लोगे। क्लॉक आपका स्ट्रॉन्ग था, कैलेंडर भी आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया उसी दिन बैठकर, एक और टॉपिक पढ़ लिया आपने, तो ऐसे करके आप लोगों को एक ही दिन के अंदर इतना सारा आपको लगेगा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो रहा है, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होगा। ये नहीं कि आप 3-4 महीना पढ़ रहे हो उसके बाद आपको लग रहा है हाँ ये कंप्लीट वो कंप्लीट। तो ये बैचेस ऐसे डिजाइन करे गए हैं, चाहे वो दोस्तों एसएससी का बैच हो, रेलवे का बैच हो, या फिर इंडिविजुअल मेरा रीजनिंग का बैच हो। तो आप कोई भी बैचेस में अगर ज्वाइन करते हो, फॉर श्योर मानकर चलिए आपकी जो खोज है, जो आपकी सर्च है अच्छी टीम की, अच्छे कॉन्टेंट की और अच्छी समझाने वाले टीचर्स की, शायद वो खत्म हो जाएगी यहां पर। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग दिल लगाकर, मेहनत करके, मन लगाकर एक बार पढ़ाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2024
24 में या आने वाले कोई भी एग्जाम से आगे उसमें एक सीट अपनी सुनिश्चित जरूर करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप करें, जिससे कि आप लोगों की ये जो एक टेंशन है नौकरी की ये खत्म हो और आप भी एक अच्छी खुशहाल जिंदगी आगे जी सकें, और बिल्कुल जिएंगे मुझे उम्मीद है। लेकिन ईमानदारी से मेहनत बहुत जरूरी है, तो अगर ईमानदारी से पढ़ाने वाले आपको लोग मिल रहे हैं तो ईमानदारी से अगर आपने और पढ़ लिया तो फिर नैया पार लगेगी फॉर श्योर। ठीक है, तो आप सभी लोग इन बैचेस में जा सकते हैं, इनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, कमेंट्स में दिए हैं, और सभी लोग बढ़िया तरीके से पढ़िए और मिलिए हमारे साथ डेली बेसिस पर क्लास। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much.